नमस्कार कैसे हो आप सब आई होप कि आप सभी अच्छे हो गे. मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हो साइंस फ्री एट बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास सिक्स टॉपिक हमारा है अशोका द एम्प्रर हु गेव अप वॉर क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स चलिए बच्चों हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हमारा है। मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु विद इन द मॉरियन एम्पायर लिस्ट बनानी है किन की लिस्ट बनानी है मॉरियन एम्पायर में रहने वाले लोगों के ऑक्यूपेशंस की तो मॉरियन एम्पायर में रहने वाले लोगों के ऑक्यूपेशंस क्या थे वो थे ट्रेडिंग गवर्नमेंट ऑफिशर्स गवर्नमेंट ऑफिशर्स जो राजा के लिए काम किया करते थे उसके अलावा क्राफ्ट पर्सनस जिनमें सभी तरह के क्राफ्ट पर्सन आते थे जैसे कि वीवर्स स्मिथ्स पॉटर्स ये सभी आते थे तो ये भी वहाँ के लोगों का और वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन था उसके अलावा फार्मर्स थे हर्डर्स थे ये वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशंस था मोस्ट नंबर ऑफ़ द पीपल वाला ऑक्यूपेशन जो था वो था फार्मर्स थे और उसके अलावा हर्डर्स थे ये मोस्ट नंबर ऑफ द पीपल वाला Uh, था आइए अब हम आंसर देख लेते हैं अ लिस्ट ऑफ ऑफ द द द पीपल हु विद इन मॉरन एम्पायर ट्रेडर्स गवर्नमेंट ऑफिशर्स क्राफ्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हमारा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज है जिन्हें की कंप्लीट करना है मैंने ब्लू से पहले से फिल कर रखा है आइए देखते हैं इसमें ए ऑफिशर्स कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूरल रूरल के डायरेक्ट कंट्रोल वाले जो एरियाज थे वहाँ पर ऑफिसर्स जो थे वो क्या कलेक्ट किया करते थे कलेक्ट करते थे वो वहाँ पर टैक्स तो यहाँ पर हम फिल करेंगे टक्स अब हम देखते हैं बी रॉयल प्रिंसेज ऑफ एंड टू द एज रॉयल जो थे उन्हें प्रोविसेज में भेजा जाता था किस लिए भेजा जाता था तो जो मोरन एम्पायर था वो छोटे छोटे एरियाज में प्रोविसेज में डिवाइडेड था जहाँ पर जो रॉयल प्रिंसेज होते थे उन्हें प्रोविंज में एज अ गवर्नर भेजा जाता था आइए देखते हैं रॉयल प्रिंसेज ऑफ एंड वेंट टू द प्रोविसेज एज गवर्नर गवर्नर के तौर पर वो प्रोविंज में जाया करते थे आइए देखते हैं सी द मॉरन रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए जो इम्पॉर्टेंट था मॉरन रूलर्स उस पर कंट्रोल की कोशिश किया करते थे तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट था वो था रोड एंड रिवर्स रोड एंड रिवर्स जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट था उस पर जो मोरन uh, रूलर्स थे वो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे और उनसे कुछ नजराना लेते थे रिसोर्सेज जो वो लेके जा रहे होते थे वो चीज़ें उनसे वो लिया करते थे तो रोड्स एंड रिवर्स नेक्स्ट हम आते हैं डी डी हमारा है पीपल इन द फॉरेस्ट फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइडेड द मोरेन ऑफिशर्स विथ जो फॉरेस्ट में रहते थे लोग वो आ, जो मोरेन uh, ऑफिशर्स थे उन्हें वो क्या प्रोवाइड किया करते थे तो जो फॉरेस्ट वाले लोग थे पीपल इन द फॉरेस्टेड रीजन फॉरेस्ट रीजन में रहने वाले जो लोग थे उन्हें कुछ छूट थी लेकिन फिर भी आ, वो लोग कुछ नजरने दिया करते थे जैसे कि एलिफेंट टिम्बर हनी वैक्स जो कि उन्हें फॉरेस्ट से चीज़ें मिल जाती थी इस टाइप की चीज़ें वो नजराने के रूप में मॉरन ऑफिसर्स जो थे उन्हें दिया करते थे आई होप कि आपको ये कंप्लीट द सेंटेंसेस जो पोर्शन है ये हमारा समझ में आ गया होगा चले बच्चो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा स्टेट वेट ट्रू ऑफ फॉल्स ट्रू ऑफ फॉल्स में हमें आंसर करना है ए है उज्जैन वॉज द गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट उज्जैन नॉर्थ वेस्ट का गेट वे था नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने का रास्ता था कह सकते हैं तो उज्जैन जो था वो साउथ की तरफ जाने का रास्ता था न कि नॉर्थ वेस्ट उज्जैन उसे आप मैप पे देखिए एम पी साइड में पड़ेगा आपका तो उज्जैन जो है वो साउथ की तरफ जाने का रास्ता था न कि नॉर्थ वेस्ट जो कि इंडिया का अगर हम मैप देखें तो जो ये वाला हमारा पोर्शन आता है ये वाला आ, हमारा जो पोर्शन आता है जो कि नॉर्थ वेस्ट है तो इधर जाने का वो रास्ता नहीं था उज्जैन हमारा आएगा लगभग यहाँ पे, तो उज्जैन जो होगा वो साउथ की तरफ जाने का रास्ता था इसलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है उज्जैन वॉज द गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट ये हो जाता है फॉल्स जिसे कि हम शो करेंगे एफ से नेक्स्ट हम आते हैं बी बी हमारा है चंद्रगुप्ताज आइडियाज वर रिटर्न डाउन इन द अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के आइडियाज जो थे वो रिटर्न है तो ये भी हमारा स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स जिसे कि हम शो करेंगे एफ से क्यों ये फॉल्स है क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वहां पर कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त कह सकते हैं तीनों में से जो भी नाम आप दे दो क्योंकि तीनों उन्हीं के नाम है तो उनके आइडियाज़ हैं अर्थशास्त्र में इसलिए ये भी हो जाता है फॉल्स जिसे कि एफ से शो करेंगे नेक्स्ट है सी कलिंगा वाज़ द एंशियंट नेम ऑफ द नेम ऑफ बंगाल जो कलिंग था कलिंगा कलिंगा जो नाम था वो बंगाल का एंशियंट नाम था तो बंगाल का एंशियंट नाम नहीं था वो इसे हम करेंगे फॉल्स क्योंकि कलिंगा जो था वो आज का उड़ीसा उड़ीसा का एंशियंट नाम था कलिंगा तो इसे हम करेंगे एफ से शो ये आ गया हमारा एफ नेक्स्ट है हमारा डी डी है मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है वो मोस्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में है तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है जिसे हम टी से शो करेंगे क्योंकि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थे वो ब्राह्मी एंड प्राकृत आ, इन स्क्रिप्ट्स में है इसलिए इसे हम शो करेंगे टी से आई होप कि आपको ये ट्रू ट्रू एंड फॉल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है वॉट आर द प्रॉब्लम दैट अशोका वॉन्टेड टू सॉल्व बाई इंट्रोड्यूसिंग धम्मा कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें कि अशोका धम्मा के द्वारा सॉल्व करना चाहते थे तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिन्हें कि अशोका को लगता था कि वो उन्हें दूर करनी चाहिए वो उन प्रॉब्लम से वो भी परेशान हो जाया करते थे इनमें जैसे थी आ, उनके राज्य में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहा करते थे जिनके बीच में अक्सर टकराव हो जाया करते थे ये प्रॉब्लम हुई उसके अलावा पशुओं की बलि देना एनिमल्स जो थे उन्हें उनक्रीफाइस करना किसी भी वजह से उसके अलावा स्लेव्स सर्वेंट्स इन सबको सही तरीके से ट्रीट ना करना लोगों के नेबर्स हैं फैमिलीज़ हैं उनके बीच में जो फाइट हो जाया करती है। तो ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि अशोका को लगता था कि ये उनकी ड्यूटी प्लेस प्लेस जाया करते थे और लोगों को धम्मा की शिक्षाएं दिया करते थे जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है वो दूर की जा सके आइए अब हम आंसर देखते हैं दीज आर द प्रॉब्स डेट अशोका वॉन्टेड टू सॉल्व बाई इंट्रोड्यूसिंग धम्मा पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड द समटाइम्स लेट टू कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट रिलीजन के लोग थे आ, सभी अपने जो रिलीजन है उनको ज़्यादा बेटर समझते हैं इन वजह से आ, कई बार उनके बीच में टकराव हो जाया करते थे तो ये रीज़न था ये प्रॉब्लम थी एनिमल्स वर सेक्रीफाइज बहुत सारे रीज़न से एनिमल्स जो थे उनकी बलि दिया जाता था स्लेब्स एंड सर्वेंट्स वर वर एल ट्रीटेड जो स्लेवस एंड सर्वेंट्स थे उनके उन्हें उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता था ये भी प्रॉब्लम्स थी बिस देर वर क्वरल इन फैमिलीज एंड अमॉन्ग नेबर्स अशोका फेल्ट इट वॉज ए हेज़ ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स सो ही अपॉइंटेड ऑफिशर्स नोन एज धम्मा महामाता हुट टू फ्रॉ हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा जो कि धमा की शिक्षा लोगों के बीच में जाकर दिया करते थे और चाहते थे ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन शिक्षाओं के द्वारा दूर हो जाएँ चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फ़ाइव हमारा है व्हाट आर द मीन्स अडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा धम्मा के मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने आ, किन साधनों का प्रयोग किया तो अशोका ने धम्मा के मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए उन मैसेजेस को पिलर्स पे रॉक्स पे उन पर इंस्क्राइब करवाया खुदवा दिया जिससे कि मैसेज जो है वो वहाँ पर लिखे रहें लोग उन्हें पढ़ सकें उसके अलावा उन्होंने कुछ ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट किए जिससे कि जो लोग उन मैसेजेस को नहीं पढ़ सकते हैं वो उन्हें पढ़कर सुना सकें अशोका ने अपने मैसेंजर्स जो थे वो अदर लैंड्स पर भेजे ग्रीस इजिप्ट सीरिया श्रीलंका इन जगहों पे अपने मैसेंजर्स जो थे वो भेजे जिससे कि वो वहाँ पर जाकर धम्मा के मैसेजेस को स्प्रेड कर सकें उसके अलावा उन्होंने कई अच्छे काम किए जैसे रोड्स बनवाना कुएँ खुदवाना डगवेल्स कुएँ खुदवाना उसके अलावा लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट चाहे एनिमल हों चाहे ह्यूमन हों उन सभी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट जो हैं वो अवेलेबल कराए जिससे कि लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज पहुंच सके कि धम्मा के द्वारा अच्छे काम जो हैं वो लोगों को करने चाहिए लोगों की हेल्प करनी चाहिए चलिए आइए अब हम आंसर देखते हैं द मीन्स यूज बाई अशोका फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा एज आर are as follows. Ashoka got his message, messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and Sri Lanka. He built roads, dug wells, and built rest, rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human and being, human beings and एनिमल्स उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो भी अवेलेबल कराए तो इस तरह से अशोका ने धम्मा के आ, धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए उन्हें इंस्क्रिप इंस्क्राइब करवाया और अदर लैंड्स पर अपने मैसेंजर्स जो थे वो उन्होंने भेजे चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है वाई डू यू थिंक स्लेव्स एंड सर्वेंट्स फॉर इल ट्रीटेड डू यू थिंक द ऑर्डर्स ऑफ द एम्प्रर वुड हैव इम्प्रूव देयर कंडीशन गिव रीज़न फॉर योर आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ऐस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स थे उन्हें उनके साथ बुरा बर्ताव होता था उन्हें बुरी तरह ट्रीट किया जाता था क्या क्वेश्चन uh, का नेक्स्ट पार्ट है क्या राजा के आदेशों से इन उनकी जो कंडीशंस थी जो उनके साथ जिस तरह से बर्ताव होता था उनकी कंडीशंस जो थी उसमें सुधार किया जा सकता था अगर हाँ तो उसके लिए हमें रीज़न देना है चलिए हम आंसर देखते हैं तो सबसे पहले कि जो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था क्योंकि लोग उन्हें लो लोअर कंसिडर किया करते थे लोग उन्हें uh, नीचा समझते थे uh, उन्हें हे दृष्टि से देखा करते थे उन्हें uh, जो स्लेव्स होते थे उन्हें लोग युद्ध में जीत कर लाते थे जिससे लगता था कि अब ये उनकी जागीर हैं और उन पे उनका अधिकार हो जाता था और जो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स जो होते थे उन्हें अपने ओनर के ही अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती थी और उन्हें अपने ओनर के ही अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था इसलिए वो उनके साथ उन्हें बुरी तरह ट्रीट करते थे क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी तरह से हमारे पर ही डिपेंड है और हमारी हमारे ऑर्डर्स को ये पूरी तरह से मानेगा तो इसलिए वो लोग उन्हें जीत कर लाए हैं तो उस पर उनका अधिकार था तो उन्हें लगता था कि अब इसका तो कोई अस्तित्व है नहीं इसलिए वो उन्हें उन्हें बुरी तरह से ट्रीट किया करते थे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कि क्या रा जो राजा है एम्प्रर है उसके आदेशों से उनके कंडीशंस में सुधार किया जा सकता था तो ये इसका आंसर है कि हाँ क्योंकि किंग जो होता है किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है किंग के जो आदेश होते हैं किंग के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सभी को मानने पड़ते हैं और किंग अगर उनके इम्प्रूव के उनके इम्प्रूवमेंट के लिए अगर ऑर्डर करता तो उनकी जो कंडीशन थी उसमें सुधार हो सकता था क्योंकि लोगों लोग जो होते हैं उन्हें किंग के ऑर्डर जो है वो मानने पड़ते थे और जो किंग के ऑर्डर्स को ना माने तो उसे पनिश किया जाता है तो ऐसे रूल्स ला दिए जाते कि जो इन ऑर्डर्स को नहीं मानेगा जो उन्हें बुरी तरह ट्रीट करेगा उसे उसे पनिश किया जाएगा तो लोग उनके ऑर्डर्स को मानते और उनकी वजह से इन ऑर्डर्स की वजह से जो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स थे उनकी जो कंडीशन थी उसमें सुधार होता आइए हम आंसर देखते हैं द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर ट्रीटेड बैडली बिकॉज पीपल कंसिडर देम लो पीपल जो थे लोग जो थे वो उन्हें लो समझते थे पीपल यूज़ टू विन देम इन बैटल एंड ले डाउन एंड दे नो दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता था क्योंकि लोग उन्हें जीत कर लाया करते थे और उन पर पूरी तरह से अधिकार होता था उनका दे हैड टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर नीड्स अपनी नीड्स के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते थे तो लोग जो होते थे उन्हें पता ही मेरे पर डिपेंड है तो उनके साथ वो बैडली बिहेवियर किया करते थे यस ऑर्डर ऑफ वुड हैव इंप्रूव देयर सुप्रीम एंड एवरी वन हैज टू ओबे द किंग्स ऑर्डर किंग के ऑर्डर जो होते हैं वो सभी को मानने पड़ते हैं क्योंकि किंग जो होता है वो सुप्रीम होता है और जो उनके ऑर्डर को नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाएगा दो नॉट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द किंग आर पनिस्ड तो जो किंग के ऑर्डर्स को नहीं मानेगा उसे पनिश किया जाएगा इसलिए अगर किंग का आदेश हो जाए कि सर्वेंट एंड स्लेव्स जो है उन्हें सही तरह से ट्रीट किया जाए तो वो सभी को मानना पड़ेगा और उनसे स्लेव्स एंड सर्वेंट जो है उनकी जो कंडीशंस थी वो सुधर सकती थी आई होप कि आपको ये आंसर जो है समझ में आ गया होगा आई होप कि बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा आप लोग अपनी प्रैक्टिस जो है वो इसी तरह लगातार रखना और इन वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोलूशन के साथ है लर्नो हब लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है